समर सीजन यानी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपने तेज किरणों से संसार का सारा स्नेह स्निग्धता खींच लेता है, कम कर लेता है। इस वजह से सभी प्राणियों के बल, शारीरिक और मानसिक बल दोनों ही कम होने लगते हैं और निसर्गतः नेचुरली इंसान को थकान महसूस होती है। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो हम ग्रीष्म ऋतु में करें ताकि हमें तकलीफ ना हो, और कुछ ऐसी बातें जिसे हम अवॉइड करते हैं तो हमारा समर सीजन ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है निरोगी काया। तो आज हम इस समर सीजन में डूज एंड डोंट्स ऐसे दो कॉलम बना लेते हैं। आप चाहे तो आप किस कहीं इसे नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा ऋतुचर्य का महत्व, यानी एक सीजन चेंज होकर दूसरा सीजन आने पे हमने क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हमें कम से कम हेल्थ इश्यूज हो सके। अगर आपने वो चेक नहीं किया है तो उसे जरूर चेक कीजिएगा। ऋतुचर्य का महत्व सुश्रुत आचार्य सुश्रुत जी, आचार्य चरक जी और आचार्य वाग्भट जी तीनों ग्रंथों में हमें इसका महत्व, इसका खान पान और आचार, इन तीनों का वर्णन मिलता है। तो आइए देखते हैं क्या खाए क्या ना खाए। तो आयुर्वेद हमें षडरसात्मक यानी मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय ये 6 रस खाने के लिए कहता है और इसी क्रम में खाने के लिए कहता है। लेकिन जिसे मीठा पसंद है उसके लिए खुशी की खबर ये है कि आप ग्रीष्म ऋतु में ढेर सारा मीठा खा सकते हैं। हाँ, सही सुना आपने, क्योंकि शरीर का स्नेह, चिकनापन, स्निग्धता इस रूक्ष हवा चलने के वजह से कम हो जाती है। तो आचार्य कहते हैं कि आप इस मौसम में मधुर रस ज़रूर खाएं। और बाकी बचे हुए जो रस है, अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये उत्तर उत्तर हमें थोड़ा कम खाना है। इसमें भी हम नमकीन और खट्टी चीज़ें थोड़ी कम खाएं तो हमारी सेहत के लिए वो काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। पर आहार हमेशा षडरसात्मक ही हो। अपनी अग्नि का बल देखते हुए आप अपने मधुर रस का क्वांटिटी का चयन कर सकते हैं, कम अधिक इसे कर सकते हैं। लेकिन अपने हर रोज़ के खाने में थोड़ा तो मधुर रस इंक्लूड ज़रूर करें ताकि आपका शारीरिक और मानसिक जो बल है उसे बढ़ सकता है। अब बात करते हैं दूध की। दूध, घी, मक्खन ये आप ले सकते हैं। तक्र और दही ये उष्ण है, इसलिए आप इसे अपने आहार में कम करें या हो सके तो इसे अवॉइड करें। जी हाँ, आपने सही सुना, दही गर्म होता है। आपके लिए एक श्लोक में यहाँ पे पेश करूँगी, आपको उससे पता चल जाए कि आयुर्वेद दही को उष्ण मानता है। अम्ल पाक रसम ग्राही गुरु उष्णम दधि वातचित, यहाँ पर गुरु उष्ण दधि को कहा है। घी या तेल, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घी का प्रयोग करें। जी हाँ, घी ये विषग्न है क्योंकि घी इसका गुण शीत है, ठंडा है, और तेल गर्म है। यानी अगर आप कोकोनट ऑयल छोड़कर बाकी सारे तेलों के गुण देखोगे तो सारे गर्म उष्ण है। इसलिए छौंका लगाते समय खाना दाल में या फिर चावल में आप घी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कीजिएगा। ग्रीष्म ऋतु में बहुत से लोगों को हाथ पैर की जलन होती है, नाक से खून आता है, सर पकड़ लेता है, तो इन विकारों में भी घी बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। इसीलिए हो सके तो कम से कम तेल और ज़्यादा से ज़्यादा घी का प्रयोग करें। गेहूं का फुल्का, ज्वार की रोटी ये अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। ये अगर ये तो काफ़ी लोग खाते ही हैं, लेकिन इसके अलावा बाजरा, नाचनी, रागी, जौ ये थोड़ा उष्ण है तो इसे आप अवॉइड कीजिए या फिर थोड़ा कम खाइए। इससे आपका शरीर के अंदर भीतर उष्णता नहीं बढ़ेगी और आपका शरीर ठंड रहेगा। आयुर्वेद शास्त्र में चावल खाने के लिए कहा है, इसमें भी षष्टिकशालिक चावल सर्वश्रेष्ठ कहा है। अगर आपकी जो एरिया में जो लोकल चावल बनता है, 50 किलोमीटर्स आपके आसपास जो चावल बनता है वो आप ज़रूर सेवन करें। अगर आप चावल में नमक नहीं डालते हैं तो आप दूध
और चावल एक साथ खा सकते हैं, तो चावल अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड कीजिए। पर जिन्हें कफ विकार है वे चावल और दूध अवॉइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जियों की, कौन सी सब्जियाँ खाएं कौन सी ना खाएं। इसमें कुंदरू या फिर पम्पकिन, जिसे हम कुष्मांड कुष्मांड यानी कु जिसमें उष्णता कम है इसीलिए उसका नाम कुष्मांड है। उसके बाद करेला, करेला कड़वा है पर उसका गुण शीत है तो आप इसे करेला का यूज़ कर सकते हैं। धनिया है, कड़ी पत्ता है, पत्ता गोभी है, फूलगोभी है, थोड़ा सा पालक भी आप इसमें यूज़ कर सकते इस सीज़न में। तो ये सारी सब्जी आप खा सकते हैं। कुछ अवॉइड करने वाली सब्जियों में आते हैं ड्रमस्टिक, मेथी, उसके बाद शिमला मिर्च, बैंगन, तो आप इन्हें अवॉइड कर सकते हैं। ये आप रेनी सीज़न या फिर विंटर सीज़न में आप इसका आस्वाद ले सकते हैं, हो सके तो इसे अवॉइड कीजिएगा। जो सब्जियां अवॉइड करने के लिए कहे है, अगर आप उसे अवॉइड करते हैं तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसमें वापस से जो हम मसाले डालते हैं वो भी गर्म होते हैं, तो इसीलिए हो सके तो ये सब्जी आप रेस्ट ऑफ द सीज़न में खाइएगा। दालों में मूंग दाल सर्वश्रेष्ठ है, उसके बाद आप तुअर की दाल यानी अरहर की दाल या फिर मसूर की दाल अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अवॉइड करने वाली दालों में है चना, राजमा, उड़द दाल, ये आप यूज़ ना करें, ये वायु को बढ़ाता है, पित्त बढ़ाता है, इसीलिए आप इसे रेस्ट ऑफ द सीज़न में खा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सूरज की तेज किरणों के वजह से शरीर का जल तत्व कम होने लगता है, तो इस सीज़न में आप ज़्यादा से ज़्यादा रसीले, स्वादिष्ट, मधुर, मीठे सारे फ्रूट्स खा सकते हैं। कुछ फल है जो आपने अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, वे है आम, मस्क मेलन, वाटर मेलन, सीताफल, संतरी, मौसम्बी, उसके बाद अगर आपके एरिया में फिग यानी अंजीर ताज़े मिलते हैं तो वो भी आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे ही फल रसीले, मधुर और शक्तिवर्धक है, शारीरिक जल तत्वों को जो कम हुआ है वो बढ़ाने वाला है। उसके बाद आपकी बार बार प्यास लगने की जो विकार होता है इसे भी ये शांत करते हैं। अवॉइड करने वाले फलों में है जो गर्म है, जिसका नेचर गर्म है, उष्ण है, या फिर जो खट्टे हैं, जैसे खट्टे अंगूर, अगर मीठे अंगूर है तो आप इसे ज़रूर खाएं, लेकिन अगर खट्टे हैं तो इसे अवॉइड कीजिए। उसके बाद जाम, उसके बाद पेयर्स या फिर जामुन, ये सब खट्टे फलों में आते हैं जिसे आपने अवॉइड करना चाहिए। शरबतों में आप गुलाब का शरबत, खस का शरबत या फिर कोकम का शरबत ये ले सकते हैं। इसके अलावा नींबू पानी, उसमें आप थोड़ा सा मिश्री डालकर थोड़ा मीठा स्वाद बनाकर नींबू पानी भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप पानक यानी कच्चे कैरी का पकाकर बनाया हुआ पानक या पन्हे, ये भी आप अपने डाइट में ज़रूर इसका इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि कच्ची कैरी उष्ण है, गर्म है, तो वो ऐसे पकाकर आप इसका पानक ज़रूर अपने डाइट में लें। इसके अलावा कोकोनट वाटर यानी पके हुए नारियल फल का आप पानी ले सकते हैं, जिसे हम शहारा कहते हैं, वो कच्चा कोकोनट होता है, उसका अगर आप पानी पीना अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो ना पका है ना कच्चा है, तो ये ऐसे ही पानी हमेशा आम वर्धक, आम दोषों को बढ़ाने वाला होता है, तो अगर आपको ये पीना है तो अपने वैद्य से सलाह लें और फिर ही इसका सेवन करें। फिर मटके का पानी पिए, जो नया मटका है, इस मौसम में नया मटका खरीदने का एक परंपरा है, तो नए मटके का पानी आप ज़रूर पिए, ना कि फ्रिज में रखे बोतल में जो ठंडा हुआ पानी है वो आप अवॉइड करें, क्योंकि वो स्पर्श में शीत है लेकिन उसका जो गुण है वो उष्ण है, इसीलिए कभी भी फ्रिज का पानी ना पिए, अवॉइड। चाय, कॉफ़ी या फिर प्रिजर्वेटिव डाले हुए मार्केट के जूसेस, इसे आप ज़रूर अवॉइड कीजिए, क्योंकि अननेसेसरी आपके शरीर में प्रिजर्वेटिव जाएंगे। अगर चाय कॉफ़ी लेते हैं तो वो आप अपना अग्नि, आपका बल देखकर कम मात्रा में लें,
और सुबह या शाम के समय ले तो फिर मैं आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में चक्राचार्य कहते हैं आप फूलों का, रत्नों का, मोतियों का धारण कर सकते हैं, ये गुणों में शीत होते हैं। दिन के समय घर की ऐसी जगह रहे जहाँ थोड़ा ठंडा हो, और अगर आप चाहें तो कूलर या फिर फैन लगा सकते हैं, लेकिन हो सके तो अवॉइड कीजिए एसी का, क्योंकि वो शरीर में रुक्षता बढ़ाती है। और रात के समय आप खुले आसमान में छत पर सो सकते हैं, तो इससे आपका शरीर का जो तापमान है वो थोड़ा सा नॉर्मल शीत होने में सहायक रहेगा। अब बात करते हैं व्यायाम एक्सरसाइज की। हो सके तो समर सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में आप व्यायाम अवॉइड कीजिए, लेकिन जिसके शरीर पे, जिनके शरीर पर चर्बी ज़्यादा हो, मोटापा हो, वे थोड़ा यानी अर्धशक्ति व्यायाम कर सकते हैं। जिन लोगों को दिन में सोना पसंद है उनके लिए खुशी की खबर है। जी हाँ, ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में आप दिन में सो सकते हैं। इससे आपका शारीरिक और मानसिक बल बढ़ेगा, शरीर में शीतलता, ठंडापन महसूस होगा। तो आप दिन में थोड़ी देर के लिए सो सकते हैं, और हो सके तो खाना खाने के तुरंत बाद ना सोए, थोड़ा समय छोड़ के उसके बाद आप आराम कर सकते हैं। समर सीजन में आप हो सके तो ड्राई फ्रूट अवॉइड कीजिए, क्योंकि सारे ही गर्म होते हैं। उसमें भी आप मुनक्का या फिर खजूर या फिर अंजीर, जो ड्राई अंजीर फिग आते हैं वो, या फिर जर्दालू, ये आप खा सकते हैं। इससे आपका शरीर का बल बढ़ेगा और ये ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं। तो बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स आप समर सीजन में अवॉइड करें। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका समर सीजन, ग्रीष्म ऋतु ठंडा ठंडा कूल कूल रहेगा। और आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो, ये जानकारी उपयुक्त रही होगी, उपयोगी हुई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ इसे ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी हेल्दी रह सके। और अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिएगा। अगर आपको कोई शंका है, कुछ सवाल है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने कमेंट्स डालें, और आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये भी आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।